आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर ननकी राम कंवर को लेकर सीएम भूपेश बघेल का एक बड़ा बयान सामने आया है। सीएम भूपेश बघेल कहते हैं कि ननकी राम कंवर जी वरिष्ठ नेता हैं, उनके क्षेत्र में जा रहा हूं, वो कांग्रेस में आएंगे तो उनका स्वागत है। ये कहा है सीएम भूपेश बघेल ने। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री ननकी राम कंवर अभी बीजेपी में हैं। लेकिन सीएम भूपेश बघेल के इस बयान के क्या कुछ मायने, सवाल यही उठता है। तो बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ रिएक्शन है सीएम भूपेश बघेल के इस बयान पर, वो भी हम जान लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता अमित चिमनानी जुड़े हुए हैं। अमित जी, आपका बहुत स्वागत है, और कांग्रेस की तरफ से धनंजय जी भी जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले अमित जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे सीएम भूपेश बघेल जी के इस बयान पर? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शराब घोटाले के बाद, और जो गोठान का घोटाला अभी सामने आया, भाजपा के नेताओं ने उसकी पोल खोली, उसके बाद घबरा से गए, और उनके पास ऐसी कोई चीज बची नहीं जिसका वो जवाब दे सके। भाजपा के नेताओं का नाम लेकर के कहीं ना कहीं उन्होंने ये बता दिया है कि उनकी खुद की कांग्रेस की पार्टी की जमीनी हकीकत क्या है। अब उनके पास नेता नहीं बचे, नीति नहीं बचे, भ्रष्टाचार के मामले सामने आ गए, तमाम प्रकार के घोटालों की पोल खुल गई है। तो ये बयान बताता है कि वो गहरी निराशा में हैं, और भाजपा के नेताओं का नाम लेकर सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं वो। उनको किसी तरीके से जो घोटाले के विषय चल रहे हैं, जो जनता उनसे प्रश्न पूछ रही है, उससे मामले को कैसे डाइवर्ट किया जाए, ये उनका प्रयास रहता ही है। अब इन बातों से काम चलने वाला नहीं है। लेकिन अमित जी, एक चीज और जानना चाहूंगा कि सीएम भूपेश बघेल ने कोई बयान दिया है तो उसे गंभीरता से लेंगे ही ना। क्या ननकी राम कंवर जी कुछ नाराज चल रहे हैं, कुछ नाराजगी है क्या बीजेपी उनके बीच में, ये जानना चाहूंगा संक्षेप में। सीएम साहब ने तो आज एक बयान दिया है जो बहुत हैरान करने वाला है, आप उसको गंभीरता से लेते हैं तो लीजिए। उन्होंने कहा कि गर्मी में गोठान में गाय नहीं रहती, तो क्या भूपेश सरकार हिल स्टेशन भेजती है गाय को? ठीक, तो क्या ये बयान आप गंभीरता से लेंगे? मुख्यमंत्री जो कह दे उसको लेना चाहिए गंभीरता से, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जिस प्रकार के बयानबाजी करते रहते हैं उससे फिर चलिए। ठीक है, मैं लौटूंगा अमित जी। धनंजय जी, अमित जी का ये कहना है कि सीएम भूपेश बघेल जी के बयान को बीजेपी गंभीरता से नहीं लेगी। देखिए, असल में प्रदेश की जनता भाजपा को गंभीरता से लेना बंद कर दी है, और जिस ननकी राम कंवर जी की आप जिक्र किए हैं, निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस पार्टी माना चाहते हैं, उनका स्वागत है। ये ननकी राम कंवर जी वही हैं जो रमन सरकार में गृह मंत्री थे, और रमन सरकार के द्वारा जब शराब का घोटाला किया गया, अवैध शराब बेचा गया, तो ननकी राम कंवर जी ने गृह मंत्री स्कॉट बनाया था, और घूम घूम के अवैध शराब को पकड़ते थे जो रमन सिंह के संरक्षण में बिकता था। तो उस दौरान भी इनकी स्कॉट को लेकर रमन सरकार ने इनकी स्कॉट को बंद करवाया था। ननकी राम कंवर जी वही है जो 32% आरक्षण के लिए जो कमेटी बनाया था उसके अध्यक्ष थे, जिसके संसद को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं माना था और कोर्ट में जाकर मामला फंस गया था। तीसरी बात, अभी चिमनानी जी कह रहे थे कि क्या हिल स्टेशन जाएंगे, यही तो भारतीय जनता पार्टियों की नासमझी है। इनको तो छत्तीसगढ़ ग्रामीण प्रवेश के बारे में जानकारी नहीं है, इनको तो यही नहीं पता कि गोठान और वसाला मंत्री। ठीक है, प्रदेश में चुनावी साल है, और सीएम भूपेश बघेल के बयान के क्या कुछ मायने, देखने वाली बात होगी कि क्या छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कुछ सियासी उठापटक हो सकती है। बहुत धन्यवाद दोनों का। आगे बढ़ते, रायपुर से बड़ी खबर, जहां नशे में युवक ने जमकर हंगामा किया, दुकान